हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आपके? उम्मीद करता हूँ आप और आपका परिवार ठीक ठाक होगा। दोस्तों, CET का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है, ऐसा एक नोटिस मिला है जो इशारा कर रहा है कि आपका एग्ज़ाम अब जल्द होगा। यदि आप जानना चाहते हैं इस नोटिस में क्या लिखा गया है और क्या कुछ कहा गया है, तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और यदि आपने अभी तक नॉलेज टीवी देसी ताऊ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही समय पर सही इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, एक ज़रूरी इन्फॉर्मेशन और शेयर करना चाहूँगा। देखिए, आजकल आपको पता ही है बेरोज़गारी कितनी बढ़ गई है। 2-3 साल से 4 साल से आप लगातार तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे परिवार में वैसा था कि कब तक ये घर से पैसे ले लेके अपनी पढ़ाई का खर्च उठाएगा, अपना पर्सनल खर्च उठाएगा। तो हम आपको ऐसा मौका दे रहे हैं दोस्तों, यदि आपकी पढ़ाई में आपका दम है तो अब आप जीत सकते हैं 51,000 रुपये, 21,000 रुपये, 11,000 रुपये, बाकी और भी इनाम। 22 अक्टूबर को हम एक प्रतियोगिता करवा रहे हैं जिसमें आप हिस्सा ले सकते हैं, और आप यदि टॉप आए तो आपको इनाम भी मिल सकता है। 22 अक्टूबर को हिसार में ये टेस्ट होगा, करियर पावर एकेडमी में। और रजिस्ट्रेशन जो अपना ऐप है KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप, वहाँ से हो रहे हैं। रजिस्ट्रेशन फ़ीस 100 रुपये है और 18 तारीख या 19 तारीख को सुबह रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएंगे। फटाफट जाइए KTDT ऐप पे, वहाँ पे सारी डिटेल है, और रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। कोई CET का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहता है तो फटाफट से ज्वाइन कर लीजिए। KTDT ऐप पर CET का क्रैश कोर्स भी चल रहा है, हरियाणा की ऑफलाइन नंबर 1 टीम के द्वारा। ठीक है, तो अब देख लेते हैं भाई क्या अपडेट आई है CET एग्ज़ाम को लेकर। तो दोस्तों, आपको पता ही है, दिन में मैंने आपको ये ईमेल भी दिखाए थे, ये ईमेल भी दिखाया था, और इसके अलावा एक नोटिस भी दिखाया था मैंने आपको, वो था हिसार ज़िले का। अब ये मिला है नोटिस भाई रेवाड़ी ज़िले का, जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर है रेवाड़ी का, उनकी तरफ से। ठीक है, और ये सभी जो सर्वखंड शिक्षा अधिकारी जिला रेवाड़ी है प्रेषित है उनकी तरफ से, ये मेमो नंबर है। और यहाँ पर देखिए, CET एग्ज़ाम सेंटर कंसेंट रिपोर्ट, उपरोक्त विषय पर आपको CET एग्ज़ाम सेंटर के स्कूलों की लिस्ट भेजकर लिखा जाता है कि संबंधित स्कूलों के प्राचार्य से CET एग्ज़ाम सेंटर की कंसेंट रिपोर्ट लेकर कल दिनांक 18/10 को दोपहर 12:30 बजे तक जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय रेवाड़ी में पहुंचाना सुनिश्चित करें, ताकि आपके द्वारा दी गई सूचना माननीय उपायुक्त महोदय को भेजी जा सके, क्योंकि यह सूचना उपायुक्त महोदय के माध्यम से HSSC पंचकुला में भेजी जानी है। देरी एवं लापरवाही के लिए आप खुद जिम्मेवार होंगे। और जो एग्ज़ाम सेंटर की लिस्ट है वो भाई इसके अगले पेजों में होती है। ठीक है, तो ये नोटिस मिला है। अब ये नोटिस सच है या झूठ है, ये तो भाई राम जाने। मेरा काम था आपको बताना कि एक ऐसा नोटिस हमें मिला है जिसमें ये बताया गया है कि भाई जो जो सेंटर बनाए जाने हैं इस ज़िले में, उन सभी स्कूल के कॉलेजों के लेक्चर जो प्रिंसिपल हैं उनसे बात करके कि भाई फाइनल समझे आपकी चीज़ को, फिर वो फटाफट रिपोर्ट हमें भेज दो, और फिर हमें वो रिपोर्ट आगे HSSC भेजनी है। ठीक है जी, तो ये मामला है आपका सारा का सारा। तो ये इशारा है आपके लिए भाई, आप अपनी तैयारी करते रहे, तैयारी को ना छोड़ें। एग्ज़ाम भाई 5-6 को, 10-12 को, और भाई 11वें महीने में हो या 10वें महीने में हो या 13वें महीने में हो या 20वें महीने में हो, तैयारी आपको करनी है, नौकरी आपको करनी है। ठीक है, सपने आपने देखे हैं, सपनों के लिए दिन रात मेहनत भी आपको ही करनी पड़ेगी। ठीक है जी, तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। आपकी क्या राय है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान करे आप सभी का समय शुभ रहे।